सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, आज के कुछ मुख्य खबरें हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली खबर आप देख सकती हैं, ये व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया है आंगनबाड़ी बहन के द्वारा। यहाँ पे आप देखिए, इन आंकड़ों के चक्कर पे मत पड़ो, यह सब गलत आंकड़े हैं, यह सब पुराने गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि हड़ताल रद्द हो, हड़ताल 90% सफल हो रहा है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि कई लोगों को, कई आंगनबाड़ी बहनों को व्हाट्सएप पे ये मैसेज आए हैं कि इन सब चक्कर में मत पड़ो, आप लोग इतने रैलियां आंदोलन मत करो, सरकार आपका पेमेंट या मानदेय जो भी है वो चीज़ें नहीं बढ़ाएगी ना आपके मांगों को पूरा करेगी। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों का और यूनियन का ये कहना है कि आप इन चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो, 90% तक क्या है कि जो आपके द्वारा किया गया हड़ताल था वो सफल हो चुका है, मात्र 10% जो है कि BNS के लोग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ही केंद्र खोल रखा है, बाकी कहीं पे केंद्र नहीं खुला है और खोलना भी नहीं है। किसी भी तरीके से उन्होंने कहा कि किसी भी कारण आपको केंद्र नहीं खोलना है। यहाँ तक कि बहनों आप देख सकते हैं कि बाकी कहीं केंद्र खुले हैं और खोलना भी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होगी, मानदेय कटने के अलावा कुछ भी नहीं होगा, सब लोग निश्चिंत रहें क्योंकि सुपरवाइजर परियोजना अधिकारी भी हमारे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या जरूरत है। जी हाँ, इस बार सुपरवाइजर भी अपने ही साथ हैं, जब परियोजना अधिकारी आपके साथ है तो आंगनबाड़ी बहनों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक भी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, आप लोगों को बढ़ चढ़ के सहयोग देना है, वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक ये खबरें पहुँचें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिकारी सुपरवाइजर भी हड़ताल से आ जाएंगे, उन्हों उनकी ही कलम से जो भी होगी वही होगा, हमारा नुकसान नहीं होगा यह तो पक्का है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बोले कि आप दो सामूहिक अवकाश पर हैं, तब तक ना तो वजन करना है ना ही किसी की रिपोर्टिंग करनी है। जी हाँ, यहाँ तक कि कोई कैंप में भाग लेना है आंगनबाड़ी में चिपका दो कि कार्यकर्ता सहायिका निश्चितकालीन अवकाश पर हैं, जो होगा हड़ताल से वापस आने के बाद ही होगा, चिंता मत करो, एक रहो इकट्ठे रहो, क्योंकि इकट्ठा रहने से ही हमारा जो हड़ताल है बहनों वो सफल होगा। हम जिस मांगों को लेकर लड़ रहे थे वह मांगें भी पूरी होंगी, यही समय है हमारे पास में आंदोलन करके हड़ताल का। ये जो उनकी मुख्य सचिव हैं यूनियन की, किशोरी वर्मा जी, उनके द्वारा ये मैसेज किया गया था। तो बहनों यहाँ पे देखिए, अनिश्चितकालीन केंद्र बंद हड़ताल, आज से आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका CDPO पर्यवेक्षक के साथ काम बंद हड़ताल पर रहेंगे, कोई भी संपर्क ऐप या पोषण ट्रैक को छुएगा ही नहीं, भरना तो दूर की बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग संपूर्ण तालाबंदी कर गया है, हड़ताल में प्रदेश से हाहाकार मचा है, यहाँ तक कि पिछले साल भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक माह का हड़ताल किया था अपनी मांगों को लेकर, हड़ताल के दौरान एक माह का मानदेय सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। तो बहनों, एक आपके लिए एक अच्छी खबर और ये है कि आपकी आंगनबाड़ी यूनियन से रिलेटेड एक ऐप भी आया है, उस ऐप को मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग उस ऐप को चलाना सीखें और यूनियन में आंगनबाड़ी ऐप को कैसे चलाना है वो भी हम बताएँगे। तब तक बहनों आप और खबर भी देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको ऐप के बारे में बताया था, तो आप यहाँ पर देख सकती हैं आंगनबाड़ी का यूनियन ऐप आ गया है, सभी सदस्य नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके तुरंत ही जुड़े तथा अपना सदस्य ID कार्ड प्राप्त करें। सदस्य ID कार्ड ऐसा है कि मतलब जब भी इस आपको ऐप खोलेंगे तो उसमें आपको सभी सुविधाएं आपकी मांगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो तो हमको खोलने के बाद ही बहनों पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ और है कि उसी के साथ आपको सदस्य ID कार्ड भी मिलेगी। तो इस लिंक वाली चीज़ को हम अगले वीडियो के लिए रखते हैं, अगली वीडियो में मैं इस लिंक को आपको दे भी दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके या फिर कमेंट में जाके आप वहाँ पर ले सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड करेंगे तो भी आपको प्राप्त हो जाएगा या फिर आप डायरेक्ट कमेंट से जाके भी इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अंदर कैसी चीज़ें रहेंगी, कैसे आपको चलाना है, कहाँ पे क्या भरना है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। विशेष सूचना हम देख लीजिए कि रीवा शहरी के सभी कार्यकर्ता सहायिकाएं बहनों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 19/3/2023 में रविवार से विवेकानंद पार्क में 12 बजे पहुँच के शहरी परियोजना में शामिल होना है। यह जो है कि लगता है बहन ने एक ये पुराना वाला मैसेज भी दे दिए थे हमको, जो कि परसों जो 19 तारीख थी उससे रिलेटेड था, क्योंकि इस टाइम पर मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में भी ये चीज़ें जोरों शोरों से चल रही हैं।
अब बहनों देखेंगे अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे कि साथियों नमस्कार, जैसा कि हम आंदोलन के पूर्व ही आप लोगों से कहते आ रहे हैं कि जैसे ही आपका आंदोलन शुरू होगा और आगे बढ़ेगा, वैसे ही सरकार की जेब में रखे दलाल संगठन कुछ झूठ मूठ की घोषणाएं करवाएंगे, आपके बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे, आपके आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। सभी तक संयुक्त मोर्चे में कोई भी ऐसी सूचना सरकार की ओर से या मिशन संचालक की ओर से नहीं मिली है कि मुख्यमंत्री आशा कार्यकर्ताओं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोई पंचायत बुला के नियमितीकरण, पेंशन, बीमा या सामाजिक सुरक्षा एवं हमारी प्रोत्साहन राशि, मानदेय या दोनों का परिवर्तित का वेतन बढ़ाने का काम करने वाले हैं। तो इससे जस्ट बहनों एक वीडियो मैंने अपलोड की है, दोपहर 12 बजे वाली थी कल की, तो आप उसको जाके आप देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आने वाला जो 15 से 20 तारीख है अप्रैल का, उसमें मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि वो नियमितीकरण नहीं करेंगे। वो आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पोस्ट पर नियमितीकरण चाहती हैं तब आपको सुपरवाइजरी के पोस्ट पर पदोन्नति नहीं मिलेगी, जबकि जो कार्यकर्ता है सुपरवाइजरी पोस्ट पे पदोन्नति होना चाहती हैं तो उनको क्या है कि वो उनको वो चीज़ मिल जाएगी लेकिन उनका नियमितीकरण नहीं होगा। अब अगर आप मेरे से पूछो कि सर इन दोनों में कौन सी चीज़ें सही है, अगर मैं आंगनबाड़ी पोस्ट पर रह के नियमित हो जाऊं या फिर नियमित ना हो के मैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के पोस्ट पर हो जाऊं, देखिए अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे नियमित हो जाती हैं तो आपको रिटायरमेंट हो के बाद क्या है कि आपको पेंशन भी मिलेगा, तो ये परमानेंट जॉब हो गई। अगर उसी के जगह आप परमानेंट नहीं हो रही हैं और आपको 10 वर्ष से ऊपर की जितनी भी एक्सपीरियंस आंगनबाड़ी बहनें हैं उनको अगर सुपरवाइजर के पोस्ट पे रखते हैं तो हो सकता है 20 या 25,000 रुपये महीने का हो, लेकिन ऑलरेडी जहां आप 55 से 60 साल के बीच में हुई तो आपको जब रिटायरमेंट कर दिया जाएगा तो उसके बाद आपके बुढ़ापे के सहारे के लिए एक रुपये भी नहीं बचने वाला। तो यहाँ पे जिस प्रकार की दो चीज़ें कंडीशन रखी गई हैं सरकार की तरफ से, तो मेरा मानना है आप नियमितीकरण हो जाइए, जाहिर सी बात है कि मान दे तो ऑलरेडी वो बढ़ाएंगे 18,000 या 20,000 वो जो भी करेंगे, तो आप अगर मार्ड कार्यकर्ता के पोस्ट पे भी रहकर 18 से 20,000 मानदेय वाला तो पाएंगे ही, और साथ ही बाद में आप पेंशन मिलेगा क्योंकि आप नियमितीकरण में आएंगी। तो सुपरवाइजरी के पोस्ट पे ना पड़े, अगर सुपरवाइजरी के पोस्ट में भी वो नियमितीकरण देंगे या कौन सी चीज़ें हैं वो 15 से 20 अप्रैल की जो बैठक है उसमें होगी तो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो इस संबंध में लिखित में सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला है, अभी तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी, इस बात को ध्यान में रखें कि अपने ग्रुप में कोई भी ऐसी चीज़ें ना फैलाएं। और हाँ, इन खबरों को भी आपका अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, आंगनबाड़ी ग्रुप है बहनों, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर शेयर कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से भी रिलेटेड मैंने कई वीडियो बनाई हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे प्रक्रिया को फिर दोबारा बता देता हूँ क्योंकि आने वाले 25 तारीख से ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं, जाहिर सी बात आय प्रमाण पत्र आपका लगेगा नहीं। गाँव और शहरों के वार्डों में लगाए जाएंगे शिविर, जी हाँ, आपके आंगनबाड़ी केंद्र में भी, जो मतलब आंगनबाड़ी केंद्र में अगर हो सकता है लगा दें, अगर वहाँ पे नहीं लगाते हैं, जगह या जमीन पर्याप्त नहीं हुई तो आपके पंचायत जहाँ पे होगी वहाँ पे तो ये चीज़ें लगेंगी ही। मार्च अप्रैल में केवल ही आवेदन भरे जाएंगे मार्च और अप्रैल के माह में, परीक्षण के बाद अंतिम सूची 1 मई को जारी होगी। जाहिर सी बात है अगर 1 मई को परीक्षण के बाद अंतिम सूची जारी होती है तो मतलब मई के बाद जब जून आता है तो हर महीने की 10 तारीख को आपके खाते में 1,000 रुपये जाएंगे। अंतिम सूची पर आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि भी 1 से 15 मई तक ही है, जी हाँ, मतलब अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती फॉर्म को भरने में उसका सुधार भी 1 से 15 मई के बीच में होगा क्योंकि जून से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। देखिए आपत्तियों का निराकरण भी मई में ही हो जाएगा 16 से 30 तारीख की, मतलब आने वाले अगले 15 दिन के भीतर ही। पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची 31 मई को जारी हो जाएगी क्योंकि जून से ही पैसा आपको मिलना होगा। अब देखिए जैसे मैंने पहले ही बोला था 10 जून से बहनों के खाते में पैसा डालना होगा प्रारंभ, प्रति माह 10 तारीख को खाते में डाली जाएगी राशि। तो ये टोटल चीज़ें थी आंगनबाड़ी बहनों से रिलेटेड। तो बहनों इसी के बाद साथ एक आखिरी चीज़ पे मैंने बताया था जो कि कल वीडियो में थोड़ा सा छूट गया था, वो यह था कि परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, कार्यकर्ता, सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो यहाँ पे देखिए लाडली बहना योजना के मैदानी अमले में छोड़ा मैदान, मतलब कि लाडली बहना योजना से रिलेटेड जितनी भी आंगनबाड़ी बहनों को कैंप में जाके वहाँ पर मदद करानी थी तो उनमें से कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ऑफिस स्टाफ अहमद ने किंतु अधिकारियों के
हड़ताल पर चले जाने से कामकाज शून्य हो रहा है। उधर स्वास्थ्य विभाग को मैदानी कार्यकर्ता आशा एवं उषा भी हड़ताल पर चली गई हैं। एक मुश्त इतने अधिक अमले के हड़ताल पर चले जाने से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो टीम आएगी ये लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने के लिए, उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाएगी। तो जिस प्रकार से सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना खोला गया था, तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि लाडली बहना के कामकाज पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि आधा से ज़्यादा जानकारी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो, उनको जो भी आधा से ज़्यादा, चाहे वो गांव की हो, चाहे छोटे बच्चों के हो, बड़े बुजुर्गों के, गर्भवती धात्रियों की हो, हर किसी का जो एक प्रकार का डिटेल है या सर्वे है या पूरी जानकारी आंगनबाड़ी और आशा बहनों के कारण ही मिलती है। तो जब ये दोनों घर हड़ताल पर चली गई हैं तो जो भी योजनाएं आएंगी उनका सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि अकेले अपने दम पे कोई भी संगठन या कोई भी मतलब विभाग के अधिकारी बिना आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता तथा आशा के हेल्प के बिना वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो बहनों, इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। आप कमेंट करके अपने क्षेत्र का मानदेय ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।